आपने इस फाइल का प्रिंट लेना है नंबर 14, ठीक। नंबरिंग गलत लगी है इसमें, कोई बात नहीं, इसे चलने दो। तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 की नंबरिंग चली गई, वैसे 14 होनी चाहिए थी। तो एक शीट मैं आपको करके दिखाऊंगा आज, और दो शीट्स का होमवर्क मैं आपको घर के लिए दूंगा। तो आपसे अभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि अगर हो पाती मैं ज़रूर आप ही के खाते में डाल देता ये शीट, पर मुझे मालूम है कि सारी शीट मेरे को ही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि नए नए ट्रिक्स हैं। तो क्योंकि अगेन वही बात है कि जब तक कम से कम 50 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, तो 50 के बाद 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, यही एफिशिएंसी होती है। मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये भी कोई आपको गलत वो दूँ कि नहीं नहीं आप करो, ये मुझे मालूम है कि इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने के बाद कुछ 5% 10% क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इतनी जल्दी 100% एक्यूरेसी नहीं आती, लेकिन टाइम के साथ साथ ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, 10% से 20% पे हो जाएगा, और भी इंक्रीज होता जाएगा, और +2 में जाके ये 100 out of 100 होगा। मतलब +2 के इस टाइम जाके, जो अब +2 में स्टूडेंट हुए हैं, जो आपकी तरह एक साल लगा, अब उनकी इतनी ग्रास्पिंग और माइंड सेट हो चुका है कि उनको जब कोई कॉन्सेप्ट करवाया जाता है तो उनके डाउट से निकलते हैं, वो खुद इतना उनका ब्रेन डेवलप हो चुका है, उनको मालूम है कि कैसे फोर्सेस लगेंगी। तो वो छोटी छोटी बातों पे अटकते नहीं है, कुछ मेजर कॉन्सेप्ट है उसी पे अटकते हैं। तो इस ट्रेनिंग में एक साल लगता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं आपको आज फिर से कैलकुलस करवाऊँ, आपको बहुत आसान लगेगा। अगर मैं आपको आज फिर वेक्टर करवाऊँ, आपको फिर वो भी आसान लगेगा। मैं कहता हूँ मोशन करवाऊँ तो भी आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो इस तरीके से जब आप फोर्स कर लोगे और फोर्स करवाया जाएगा तो भी आपको ईजी ही लगेगा। तो इसको देखते हैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.2 kg का ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट, यू इज इक्वल टू 0, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ। नॉर्मली हमें फोर्स न्यूटन में देखने की आदत है, 10 N 15 N मैग्नीट्यूड में। इसने अपना क्वेश्चन किस में दिया, वेक्टर में, आई कैप और जे कैप में। और क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी निकालो आफ्टर 6 सेकंड। और जो वेलोसिटी निकालनी है वो वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड में नहीं पूछ रहा, वो भी वेक्टर में पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी 6 सेकंड पे होगी, हम क्या लगाएंगे, v u plus at। पर अब सब कुछ किस में लगाएंगे, वेक्टर में, स्केलर में नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में लेके आनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फोर्स वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा। फोर्स वेक्टर मास कितना है, 0.2, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस एक्सेलरेशन वेक्टर को यहां पुट करेंगे, टाइम 6 सेकंड गिवन है, बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई तो u इज इक्वल टू 0, वी वेक्टर इज, इसका आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर स्केलर में गिवन है तो वैल्यू स्केलर में, और अगर वेक्टर में गिवन है तो हर चीज फिर वेक्टर में। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयरन नेल है is dropped from the height of h। तो एक आयरन की नेल है और उसको आप h हाइट से गिरते हो, ये लो u is equal to 0 ड्रॉप किया और h हाइट से गिरा, मैंने डायग्राम साइड पे बनाया हुआ पूरा। उसके बाद क्या होता है, यहां पर सैंड स्टार्ट हो जाती है, मिट्टी, इस सैंड के अंदर नेल अंदर ही अंदर जाता जाता है और फाइनली रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो आप यहां लिख लो फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक। तो इसमें h हाइट से उसको ड्रॉप किया जाता है, वो पेनिट्रेट करता है, और कितना डिस्टेंस पेनिट्रेट करता है, x। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, x, ये कितना है h, ये कितना है x, गिवन है यहां तक। अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं, दी एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन द नेल इज इक्वल टू व्हाट। तो जब ये नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो फाइनली किस पे आ रहा है, रेस्ट। तो सैंड के अंदर जब पेनिट्रेट करेगा तो सैंड इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा और ये रुक जाएगा। तो कितनी फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगाई इस सैंड ने, ये आपको बताना है। तो इसके लिए काम करते हैं, यहां पर वेलोसिटी 0 है और मान लो यहां पर वी नॉट वेलोसिटी है जब ये नीचे आ रहा है, और आप इस जर्नी में लगाओ वी नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू जी इंटू कितना एच। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2gh, कोई डाउट इसमें। तो इतनी वेलोसिटी से ये सैंड को टच करेगा और इतनी वेलोसिटी से ये एंटर करेगा सैंड के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप भी क्लियर है यहां पर। और अब इतनी वेलोसिटी से शुरू होते हुए कि फाइनली किस पे आ जाएगा, एट रेस्ट, क्लियर है यहां तक। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है यहां तक।
जब ये नेल सैंड में जा रहा होगा तो नीचे जा रहा है, इसके इसको कौन नीचे लेके आ रहा है, इसका वेट नीचे लेके आ रहा है mg, और सैंड इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाएगा, अपोजिशन की फोर्स की डायरेक्शन मोशन के हमेशा ऑपोजिट है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ रहा है, नेल नीचे जा रहा है, mg वेट इसको नीचे लेके आ रहा है, और अपोजिंग फोर्स कितना है f, अल्टीमेटली जा कहां रहा है, नीचे। नीचे आते हुए ये एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि फाइनली ये किस पे आ रहा है, एट रेस्ट पे आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? तो एक काम करते हैं, हम नेल की इक्वेशन बनाते हैं जब ये मूव कर रहा है सैंड के अंदर, तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है mg, और कौन अपोज कर रहा है f, तो नेट फोर्स कितनी हुई mg माइनस f, और न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेट्स दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ने इस केस में रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि नेल किस पे आने की कोशिश कर रहा है, एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें? तो इस केस में रिटार्डेशन, तो यहां से सॉल्व करके f एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, m कॉमन आ गया g प्लस a, तो रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम है, आपको अपना आंसर इस फॉर्म में नहीं गिवन, आपको a निकालना पड़ेगा। अब a निकालने के लिए यहां से यहां जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो आप इसमें लगाओ इस सैंड के अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियली एंट्री हुई थी अंडर रूट ऑफ 2gh वेलोसिटी के साथ, 2 इनटू a इनटू x, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन। यहां से सॉल्व करके स्क्वायर कट माइनस माइनस कैंसिल करके a की वैल्यू आ गई, 2 नहीं है, gh by x आ गई। इस a की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ गई, इसमें से g कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ गई, g कट कर लो, करेक्शन है, g नहीं आएगा यहां पे, g बाहर आ चुका है, ऑप्शन मार्क कर लो 1 plus h by x। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो बेसिकली तो मोशन इन 1D के ही प्रॉब्लम्स हैं, फोर्स की कहां है, तो फोर्स में तो एक बस एक्सेलरेशन निकालने का काम है, अदरवाइज तो मोशन इन 1D की प्रॉब्लम है। 1D स्टार्ट कर लिया, दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम दक्षिण पश्चिम एशिया स्टेट वियतनाम प्रांत के पठारों के जंगल का दौरा करने जा रहे हैं, जब पर्यटक इरेताबोर चमत्कृत पठारों के जंगल तो हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार पढ़ना, के उदय के बारे में स्थानीय लोगों के बीच ये पौराणिक कहानी प्रचलित है कि जिन्हें अल्पसंख्यक जातियों में से एक सामी जाति में तीन स्ट्रिंग्स है, एक दो तीन, और ये एंगल मिसिंग है, बना लेना 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है वर्टिकल के साथ आपके इसमें, मतलब ये गिवन है, ये गिवन है मेरे कहने का मतलब, तो ये 60 डिग्री गिवन है, मैंने तो बनाए बनाया लेकिन गिवन भी है ये। आगे अब इसके अंदर वो कह रहे हैं फाइंड द टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कौन सी है इसमें से, ये इसकी टेंशन निकालनी है, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है, T1, क्योंकि स्ट्रिंग्स तीन है तो टेंशन भी तीन बनाएंगे, तो एक और बनेगी पेयर में, तो यहां पर T1 इक्वल एंड ऑपोजिट, यहां पर T2 इक्वल एंड ऑपोजिट, यहां पर T3 इक्वल एंड ऑपोजिट। कोई डाउट इसमें? अब याद करो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था एक टेढ़ी स्ट्रिंग का, जब स्ट्रिंग टेढ़ी होती है हम हमेशा टेंशन के क्या ले लेते हैं, कंपोनेंट्स, तो अगर ये 60 डिग्री है तो इस टेंशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं T2 cos 60 और T2 sin 60। कोई पूछ रहा था स्टूडेंट कि यहाँ इसके क्यों नहीं कंपोनेंट्स बनाते, अब बना लो आपको, लेकिन चाहिए नहीं होंगे क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहाँ के चाहिए, यहाँ के नहीं चाहिए, तो इसलिए आप बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां की रिक्वायरमेंट है वहीं के बना रहे हैं। तो जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इसकी इमीडिएट नीचे ऊपर लेफ्ट और राइट की फोर्सेस, इसके इमीडिएट नीचे कौन सी फोर्स है mg, इसके इमीडिएट ऊपर कौन सी फोर्स है T3, चाहो तो इसको सर्कल में डाल लो T3 और mg ऐसे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, और पूरा सिस्टम क्वेश्चन में गिवन है इज लाइंग एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू
राइट की फोर्स, तो इसमें नीचे की फोर्स कितनी है एम जी और इमीडिएटली ऊपर की फोर्स कितनी है टी थ्री, तो यहां पर टी थ्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम जी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। फिर ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा, ये पॉइंट क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू इसके नीचे की फोर्स, इसके इमीडिएट ऊपर की फोर्स ये टी टू कॉस 60 और नीचे की फोर्स इज इक्वल टू टी थ्री, तो यानी कि ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो टी थ्री इज इक्वल टू टी टू कॉस 60। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक अनमोल? ठीक, तो इसके ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, इक्विलिब्रियम है इसका भी, तो टी थ्री की ये भी वैल्यू, टी थ्री की ये भी वैल्यू, इनके राइट साइड को इक्वेट कर लेते हैं तो यहां से टी टू की वैल्यू आ गई, पर हमें क्या निकालना है टी वन। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इसकी लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स भी होगी, तो टी वन की वैल्यू किसकी इक्वल होगी टी टू साइन 60। अब क्योंकि टी टू निकाल चुके हो, इस टी टू को उठा के यहां पुट कर दो, टी वन की वैल्यू आ गई, और टी वन की वैल्यू आ गई एम जी बाय टेन 60। टेन 60 क्या होता है रूट थ्री। आंसर स्टेप समझ में आ रहे हैं कैसे है? तो सबसे पहला काम क्या होगा, फोर्सेस को ड्रॉ करने का, कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का, फिर इक्विलिब्रियम बनाने का, लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स, और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का बताते हैं। डाउट है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें तो मैंने टेंशंस ड्रॉ करके दिए हैं, जब खाली रस्सियां टंगी होंगी ना तो समझ में नहीं आता कि टी वन कहां जाएगा और टी टू होगा, अलग भी होगा कि नहीं होगा, और इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। तभी बार बार कर करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कम से कम पता हो कि किस क्वेश्चन में क्या लगाना है। ठीक, ये क्वेश्चन होगा नहीं, फोर्थ फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है, नहीं करना अभी। क्वेश्चन नंबर 5 मिसप्रिंट है, कितने लोग इसमें, कितनों में, एक दो, पर्यावरण का सुधार किया है और खेतों की जगहों पर चिंगर उगाए हैं। इसी बीच पत्थर चिंगर क्षेत्र के पर्यटन संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंध और संरक्षण किया है। वर्तमान में पत्थर चिंगर क्षेत्र ने 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली भूमि पर विभिन्न प्रकार के 1,30,000 पेड़ उगाए हैं। साथ ही चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी और कोरियाई इन 5 भाषाओं में 180 गाइड बोर्ड भी लगाए हैं। इधर के सालों में पत्थर चिंगल रमणीक स्तर ने कुछ विशेषज्ञों को पत्थर चिंगल रमणीक स्तर के विकास के लिए आमंत्रित किया है। पत्थर चिंगल रमणीक स्तर का कड़ाई से प्रबंधन किए जाने से अब इस रमणीक स्तर का संरक्षण परियोजना और अधिक वैज्ञानिक है। बहुत से परियोजनाओं के निर्माण से पहले इन परियोजनाओं की बारंबार समीक्षा करना और विशेषज्ञों से परामर्श करना जरूरी है। इधर के सालों में पत्थर चिंगल रमणीक स्तर ने शिवलिंग काउंटी के विकास के लिए, देखो इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाओ, मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो मासेस गिवन है, एक मास 2m, एक मास m एंड फोर्स f एंड f। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार फोर्स को राइट की तरफ लगाना है। वो क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है f एंड f, लेकिन दोनों तरफ से नहीं लग रही, मतलब ऐसे लग रहा है कि एक बार उसने राइट पे लगाई और सेम क्वेश्चन एक बार उसने फोर्स को कहां से अप्लाई किया टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे। ये दो अलग अलग डायग्राम बनाने हैं, आपने इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है, जैसे इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स है F1 और पेयर में एड करेगी F1 F1, ऐसी जब इसको यहां से अप्लाई करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स है F2 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 F2। तो आपने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और F1 निकालना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है और F2 निकालना है, और फिर दोनों की रेशियो निकालनी है F1 F2। करो सॉल्व, पहले से सॉल्व करो, कॉन्टैक्ट फोर्स की प्रॉब्लम हमने की, फिर नीचे वाले को सॉल्व करो, याद है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स ब्लॉक के बीच में ब्लॉक करो स्टार्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हो जाएगा, पहले फर्स्ट केस सॉल्व करो, सिर्फ फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं पहले और F1 F1 की वैल्यू निकालते हैं।
वन इज टू टू सेम आ ही नहीं सकती। देखो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम पहले ऐसे बनेगा, ये 2m है, ये f है, ये f1 है, सिस्टम राइट जाएगा, और ये m है, ये f1 है, ये राइट जाएगा। तो इसमें f माइनस f1 इज इक्वल टू 2m इनटू a फर्स्ट इक्वेशन, इसमें f1 इज इक्वल टू m इनटू a सेकंड इक्वेशन। इन्हें ऐड करेंगे तो पहले तो f इज इक्वल टू 3ma से a की वैल्यू आएगी f डिवाइडेड बाय 3m, आप इसको यहां पुट करोगे तो f1 की वैल्यू आएगी m इनटू f डिवाइडेड बाय 3m, सॉल्व करके क्या आएगा f डिवाइडेड बाय 3, इतना ही आ रहा है f बाय 3। फिर ऐसी अब सेकंड केस सॉल्व करो, जब f लेफ्ट की तरफ लग रहा है, फिर से सेम केस सॉल्व करो, आंसर डिफरेंट आएगा, इसकी रेशियो 1:2 आ रही है, सेम आ रहा है, आपको भी सेम आ रहा है, 1:2 आ रहा है। हाँ तो मतलब आप f1 निकाल ली ना आपने, ऐसी f2 भी निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो 1:2 आंसर आएगा। f2 निकाल लोगे इसमें बिल्कुल इस तरीके से, कॉन्टैक्ट फोर्स वाली प्रॉब्लम याद है, सेम प्रॉब्लम्स है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और f2 निकालना और डिवाइड करना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना प्लीज एक बार, क्या है 6 क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन इज कि अ मैन वांट्स टू स्लाइड अ रोप, ये लो ये मैन है और ये ना इसके ऊपर स्लाइड करना चाहता है और नीचे आना चाहता है, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर नीचे, अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर ऊपर, राइट याद है, क्लियर है। तो नीचे स्लाइड करना चाहता है, इसको कौन नीचे लेके आएगा, इसका वेट। तो इसका देखो ये जो नीचे रस्सी है इसमें टेंशन क्या होगी, जीरो, वो तो हवा में झूल रही होगी ना, टाइट तो ये होगी, तो टेंशन इस पोर्शन में होगी टी एंड टी, और इसका वेट नीचे की तरफ कितना है एमजी, क्योंकि ये नीचे उतर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एमजी बड़ा और टी छोटा हो जाएगा नेट फोर्स, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इस मैन का क्या बनेगा, मैन के ऊपर टी नीचे एमजी, मैन नीचे आ रहा है, एमजी माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि द ब्रेकिंग लोड, मतलब कि ये रस्सी टूट जाएगी, ब्रेकिंग लोड कितना है 2/3 ऑफ द वेट। ब्रेकिंग लोड का मतलब रस्सी कब टूटेगी, जब उसमें फोर्स कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, फोर्स रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन, जब टेंशन कुछ ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम टेंशन जो वो स्ट्रिंग टॉलरेट कर पाएगी वो कितनी है 2/3 ऑफ वेट ऑफ द मैन। तो इसको टी नहीं लिखेंगे, इसको क्या नाम देंगे, टी मैक्स। ब्रेकिंग लोड का मतलब है
कि मैक्सिमम फोर्स जो इस रस्सी में एग्जिस्ट कर सकती है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेंशन है, इससे ज्यादा अगर टेंशन की तो फिर टेंशन जीरो ही समझो, रस्सी ने उसके बाद टूट ही जाना है। क्लियर है यहां तक? तो मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड समझ में आ रहा है क्या है इसमें? अब ध्यान से देखना, उसने कहा कि मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड इतना है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन जिससे कि ये फायरमैन स्लाइड करेगा। मुझे एक चीज बताओ कि इस इक्वेशन में जिसमें mg माइनस t इज इक्वल टू ma लिखा है, वेट तो मैन का कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, टेंशन की वैल्यू को अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पुट करूं, मैं बढ़ाता रहूं तो इनका डिफरेंस कम होता जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो नंबर्स का, एक कांस्टेंट में से कोई नंबर माइनस हो रहा है और इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये वाली टर्म कम आती जाएगी और इससे कम नहीं आ सकती बिकॉज टी आपने मैक्सिमम पुट किया। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर कम से कम आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या आएगी? कम आएगी। अगर टेंशन की वैल्यू यहां पर कम करोगे डिफरेंस बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगी, पर आपने तो टेंशन ही मैक्सिमम कर दी तो डिफरेंस क्या हो गया? मिनिमम, तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम का समझ में आ रहा है मतलब क्या है? कोई डाउट इसमें? और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम टेंशन ही गिवन है 2/3 टाइम्स mg, तो मिनिमम जो एक्सेलरेशन आएगी ऑटोमेटिकली क्या होगी? मिनिमम ही होगी। तो आप अपने सॉल्यूशन के अंदर यहां पर डाल लो टी मैक्स और ए मिनिमम, ताकि आपको याद आ जाए कि टी मैक्स है तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये टी मैक्स और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस और ये मैक्सिमम लोड और एक्सेलरेशन मिनिमम वर्ड को कैसे आपने जस्टिफाई करना है? नहीं, ऐसे तो मैंने वैसे भी सॉल्व कर दिया, बट आपको ये वर्ड तंग करेंगे, ये मिनिमम क्यों बोल रहा है, मैक्सिमम क्यों नहीं बोल रहा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टी जब मैक्स होगा तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन कैलकुलस और मोशन से रिलेटेड है फिर से एक बार, और क्वेश्चन जिन्होंने मोशन और कैलकुलस दोनों की है उनके लिए कुछ भी नहीं है। कह रहा है बॉडी का मास गिवन है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब एक्स इंटू टी नहीं है, एक्स डिपेंड्स अपॉन टी, यानी कि एक्स का जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें टाइम जरूर आएगा और आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो मेडिकल के लोग समझ लें एक्स ब्रैकेट में टी का मतलब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब एक्स के फॉर्म एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन। तो ये फॉर्मूला गिवन है आपको, आपको इसमें P, Q, R तीनों गिवन है, तो ये वैल्यू बन गई x की। तो आपको इसमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। कब? जब टाइम कितना है? 2 सेकेंड। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है 2 kg। अब एक्सेलरेशन आपको कब निकालनी है? एट टाइम 2 सेकेंड। तो पहले आप x लिखो, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो v आएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे डबल डेरिवेटिव तो a आएगा। a मान लो दो बार आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दो बार डिफरेंशिएट करके इतना आ गया। टाइम को 2 सेकेंड पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी, तो एक्सेलरेशन आ गई 2 सेकेंड पे, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, आंसर आएगा 2 सेकेंड पे। तो वही मोशन और कैलकुलस सब मिक्स होने स्टार्ट हो गए, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ये चीजें चलेंगी अब। ठीक है यहां तक? ये क्वेश्चन देखना 8th। देखो, एक क्रिकेट बॉल है, उसका मास गिवन है, वेलोसिटी इनिशियल गिवन है वेक्टर फॉर्म में,
फाइनल गिवन है वेक्टर फॉर्म में, आफ्टर बीइंग आएगा बीइंग हिट, तो मतलब उसने दीवार को हिट किया, टक्कर हुई, बॉल वापस आ गई। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है टक्कर से पहले और फाइनल वेलोसिटी पता है टक्कर के बाद। उसके बाद आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। देखो जो मोमेंटम है वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, और पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे को ये समझ में आता है कि इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि सब कुछ वेक्टर में गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू में क्या आएगा एम इंटू फाइनल वेलोसिटी ऐसे आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फाइनल मोमेंटम दैट इज पी टू वेक्टर माइनस पी वन वेक्टर एम इंटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। पॉइंट क्लियर है? तो पी टू वेक्टर माइनस पी वन वेक्टर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ना इस बॉल वाला कॉन्सेप्ट, रीबाउंड वाला, जब बॉल वापस आती है, ये बहुत बार यूज होता हुआ नजर आएगा। तो मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक नया क्वेश्चन आया कि एक बॉल जा रही है विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम mv, स्केलर फॉर्म में mv, और वो वापस आ रही है सेम मोमेंटम के साथ टक्कर खाने के बाद mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितने हैं? नॉर्मली लोग बोलते हैं जीरो, mv mv जीरो, नहीं जीरो नहीं, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, पर क्योंकि आप वेक्टर में तो कर नहीं रहे, अगर वेक्टर होता फिर तो आई कैप माइनस आई कैप आपको सब डायरेक्शन शो करता, वेक्टर तो है नहीं पर डायरेक्शन तो फिर भी चेंज हुई। तो जब बिना वेक्टर के डायरेक्शन का चेंज शो करना होता है तो हम आगे साइन क्या लगाते हैं, माइनस। माइनस साइन ये शो करता है स्केलर के आगे, इसका मतलब डायरेक्शन हैज चेंज्ड। तो मान लो इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, तो फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव, तो इनिशियल मोमेंटम को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो माइनस करके आंसर क्या आएगा, 2mv। तो कभी भी ये नहीं बोलना कि mv बॉल गई और mv मोमेंटम से वापस आ गई तो चेंज इन मोमेंटम जीरो, नहीं बोलना, चेंज इन मोमेंटम क्या बोलना है, 2mv। क्लियर यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा बार यूज होगा कोलिजन के अंदर, बहुत यूज होगा, उस टाइम भी 8-10 बार यूज होगा। तो 100% आपको याद ही हो जाएगा ये कि एक बॉल जब टक्कर खा के वापस आती है mv और mv, जीरो नहीं बोलना, चेंज इन मोमेंटम 2mv। मैं इस चीज को अगर ये मुश्किल लगता है एक और मेथड से करके दिखाता हूं, कोई बात नहीं, ये छोड़ दो, ऐसे कर लो, आई कैप जे कैप में कर लो। मान लो इनिशियल मोमेंटम कितना है एमवी आई कैप, फाइनल मोमेंटम कितना है एमवी माइनस आई कैप, डायरेक्शन हैज चेंज तो माइनस आई कैप, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी टू वैक्टर माइनस पी वन वैक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो सॉल्व करेंगे माइनस टू एमवी आई कैप, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, डायरेक्शन को छोड़ो, टू एमवी। देखो अभी भी जीरो नहीं आया, तो आपको बस एक शॉर्टकट याद रखना है कि अगर एक बॉल जा रही है मान लो p मोमेंटम के साथ, वापस आ रही है p मोमेंटम के साथ, तो चेंज इन मोमेंटम आपने 2p बोलना है, आपने जीरो नहीं बोलना। क्या ये स्टेप क्लियर है? पर आपका क्वेश्चन इजी है, आपके क्वेश्चन में वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी डिफरेंट है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m कॉमन आ गया, v वेक्टर गिवन है वेक्टर फॉर्म में, u वेक्टर फॉर्म में गिवन है, i में से i, j में से j को माइनस करेंगे तो ये टर्म आएगी और आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम वेक्टर कैसे निकलेगा इसमें। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना एक बार प्लीज। किया हुआ है जब एक लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक नीचे आ रहा था लास्ट टाइम बताया था, तो लिफ्ट वाले केसेस को कैसे करना है। अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती हुई नीचे आ रही है तो मैंने बोला था जी माइनस है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किया था। बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको रिलेट करना है, और इस क्वेश्चन को देखते हुए ही उसमें शॉर्टकट बनाया गया था। क्वेश्चन तो कौन ही करेगा 2 साल बाद, पर वो शीट में से शॉर्टकट जरूर रिवाइज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। समीत किया हुआ है, याद आ गया समीत को,
लेक्चर लगाने का फायदा है। ठीक, देखो द ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है और हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम ही किया था वो क्या कि इंक्लाइन प्लेन को मैं कितनी एक्सेलरेशन दूं, या शो कर लेना वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर राइट, तो इंक्लाइन प्लेन को कितनी एक्सेलरेशन दूं आगे कि ब्लॉक नीचे स्लिप ना हो। जब इंक्लाइन प्लेन को आगे एक्सेलरेशन मिलेगी तो सूडो फोर्स कहां मिलेगी इस ब्लॉक को पीछे, वैसे इसका वेट के दो कॉम्पोनेंट होंगे mg, mg cos, mg sin, या सूडो फोर्स ma और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से अल्फा, ma के भी दो कॉम्पोनेंट होंगे ma cos और ma sin। तो अगर आप चाहते हो नीचे ना जाए तो mg sin alpha is equal to ma cos alpha, equate करके a can be calculated। तो सेकंड टाइम किया ये, सेकंड टाइम करने के बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होगा और थोड़ा अब मतलब अगर ये थर्ड टाइम आया तो पक्की बात है आपको एकदम रट गया होगा कि इसको कैसे करना है। क्लियर है यहां तक? बार बार देख के आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने थोड़ा बाहर बना दिया गलती से, एक ही बात है वो तो। किया हुआ है ये भी, वो याद है एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी नॉर्मल रिएक्शन की शीट में, यही क्वेश्चन था। तो इसके अंदर क्या था, ये एक बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लग रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम जी थीटा, एम जी कॉस, एम जी साइन, एम जी साइन मैंने बनाई नहीं क्योंकि मेरे को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो मैं अब इस वेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें नहीं हूँ। तो मैंने एफ फोर्स लगाई, जरूरी नहीं है कि एफ के वेक्टर यहीं बनेंगे, तो मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लिया कि डायरेक्शन ही है, क्या फर्क पड़ता है एफ वेक्टर। तो अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा, तो एफ वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट है एफ कॉस एफ साइन। मैं इंटरेस्टेड हूँ नॉर्मल रिएक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एफ साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। ये रहा, तो लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन भी किया था नॉर्मल रिएक्शन निकालने का। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, एफ को एक्सटेंड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन देखो, नहीं किया हुआ ये, नहीं किया, कर ले, देखो जरा। ठीक है, चलते कितने लोगों को समझ में आया ये? अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आया कि क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रिंग है जो यहां से घूमती हुई आ रही है और स्ट्रिंग का मास नहीं है, तो टेंशन सब में क्या, इस पूरी स्ट्रिंग में क्या रहेगी, सेम। ठीक है, तो टेंशन इन दोनों के बीच में टी एन टी वेक्टर क्लियर है, टेंशन इसके इसके बीच में टी एन टी क्लियर है, टेंशन इनके बीच में टी एन टी क्लियर है, रहेगी तो टी लेकिन वेक्टर की फॉर्म में आपको शो करना है, कोई डाउट इसमें? इसको कौन नीचे लेके आएगा, फोर्स एम जी साइन थीटा, मैंने कॉस थीटा बनाया नहीं बट अंडरस्टूड एम जी साइन थीटा क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं इसी फोर्स में। और ये कहां मूव करेगा, लेफ्ट, ये कहां मूव करेगा, डाउन।
तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा बड़ी फोर्स है, टी छोटा है, तभी तो इधर आ रहा है, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी इज एम इंटू ए। पहली क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, लास्ट टाइम शायद किए थे ऐसे क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन के, और इसके लिए टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रहा। इस टी को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। इस टी को यहां पुट करके ए कॉमन निकाल के एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगी, टेंशन। मैंने गलती से एफ लिख दिया, इन दोनों की जगह टी लिखो, टी इज इक्वल टू मास इनटू, ये दोनों टी है, टी एंड टी, तो टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? तो एक बार एक इक्वेशन इंक्लाइन प्लेन के ब्लॉक के साथ, तो नॉर्मल है जो हमने लास्ट टाइम इंक्लाइन प्लेन का किया था वही सेम केस है, और एक इसके साथ। ठीक है यहां तक? किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वन इन एल, कभी कभी लिखा होता है स्लोप वन इन एल, इन वर्ड अगर आ जाए ना वन इन एल, इसका मतलब होता है साइन थीटा इज वन डिवाइडेड बाय एल। तो ये मतलब स्टार लगा लेना, याद करना है कि साइन थीटा वन बाय एल बोलने का तरीका है वन इन एल। ठीक, मिस कर जाओगे इंपॉर्टेंट चीजें, साइन थीटा वन बाय एल। तो अब वो क्या कह रहा है कि मैं इस इंक्लाइन प्लेन को कितनी एक्सेलरेशन दूं कि ब्लॉक नीचे ना आए, क्वेश्चन किया हुआ है, वही तीसरी चौथी बार आ रहा है फिर से सेम प्रॉब्लम, क्या कि इसको कौन नीचे लेके आएगा, एम जी साइन थीटा। तो अगर प्लैंक इधर मूव करेगा तो सूडो फोर्स पीछे, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, तो एम ए के दो कॉम्पोनेंट एम ए कॉस एम ए साइन, ब्लॉक नीचे नहीं लेके आना तो एम जी साइन इज इक्वल टू एम ए कॉस, वही सेम आंसर। ठीक, अभी भी क्वेश्चन किया, पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन किए तो समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इतनी होनी चाहिए पर आंसर इस फॉर्म में है, तो एक काम करो साइन थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, वन अपॉन एल, पाइथागोरस लगा के साइड आ गई, टैन थीटा क्या होगा वन डिवाइडेड बाय दिस साइड, तो टैन थीटा की जगह वन अपॉन आंसर, ये आ गया। पॉइंट क्लियर है? तो टैन थीटा में नहीं छोड़ना, टैन थीटा की वैल्यू की फॉर्म में छोड़ना, तो टैन थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये इस असाइनमेंट को क्लोज करते हैं, और हैंड रिटन शीट